डेट शीट आ गई है, अब तैयारी कैसे करें। जी हाँ, 12th क्लास की डेट शीट आ चुकी है। आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है हमारी इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में, आप जाकर देखोगे तो कल रात ही हमने दे दिया था आपको। मोटा मोटी आपको बता दें कि आपके जो एग्जाम है वो 24 फरवरी 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और 12 मार्च 2025 को आपका लास्ट पेपर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। पहला पेपर आपका हिंदी का है, पहला पेपर आपका हिंदी का है और लास्ट जो 12 तारीख को जो पेपर है वो आपका इंग्लिश का है। ओके, चलिएगा, ये सारी चीज आपको पता है, नहीं पता तो हमारा वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर डेट शीट तो आ गई, अब तैयारी कैसे करें। यूपी बोर्ड 2025 में अब की बार 12th क्लास में मुझे 90% लेकर आने, तो कैसे लेकर आए, क्या सर ये पॉसिबल है अब से पढ़ाई करें। डेफिनेटली पॉसिबल पॉसिबल है। अभी मैं आपको सारी चीजें विद प्रूफ प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया, डेफिनेटली आपका तैयारी करने का नजरिया बदल जाएगा। बस आपको पूरा देखना, समझना चीजों को। देखिएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। भाई कुछ नहीं पढ़ा तो आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, टॉप में ये नहीं कह रहा कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो टॉप कर जाओगे। हाँ, डेफिनेटली अच्छे नंबर लेकर आओगे, जैसे कि लाइक 70%, 80% और 85%। चलिएगा, बात कर लेते हैं। देखिएगा, आज है तारीख 9/11/2024, यानी कि 19 नवंबर 2024, नवंबर का महीना चल रहा है, मतलब मान के चलिए कि नवंबर में अभी आपके पास 10 दिन समय है मोटा मोटी। दिसंबर में आपका 31 दिन का दिसंबर होता है, यानी कि दिसंबर के पूरे 31 दिन आपके पास हैं, जनवरी के 31 दिन हैं और फरवरी का 24 तारीख से पेपर है, तो 24 दिन मत मानो, कम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम यदि 24 तक का काउंट करें तो 96 दिन बैठ रहे हैं, जिसमें से प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट होंगे, तो प्रैक्टिकल के 10 दिन में निकाल दे रहा हूँ। बाकी की कोई समस्या है, घर में शादी है, फंक्शन है, घर में कोई भी इंपोर्टेंट काम है, टोटल मिला के 5 दिन इसके निकाल दूं मैं और 5 दिन और एक्स्ट्रा निकाल दे रहा हूँ मैं, 6 दिन, तो टोटल मिला के अभी आपके पास 75 दिन बाकी है। नॉर्मली मैं बात करूं, देखिएगा, 31 दिन दिसंबर के, 31 दिन जनवरी के और बाकी के बचे हुए 10 ये, ठीक है, टोटल मिला के 30 दूनी 60, मोस्टली 30 30 लगाओ, 30 30 दूनी 60 और 10 65 और 5 दिन इसमें से भी ले लो, क्योंकि 10 फरवरी तक यहाँ पर भी आप तैयारी कर सकते हो। तो यदि 75 दिन फिर भी आपके पास मोटा मोटी अभी है शेष, तो इन 75 दिन को यदि आप अच्छे से मैनेज करोगे, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के अनुसार 75 दिन को मैनेज करोगे, 75 दिन में तो भाई साहब पूरी जंग जीती जा सकती है। ठीक है, तो बस करना क्या है ये समझ लो। देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में देखो आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें आता क्या क्या है पेपर में। देखिएगा, फिजिक्स की मैं बात करूं स्पेशली तो एमसीक्यू आते हैं, अंकित प्रश्न आते हैं, डेरिवेशन आती है थ्योरी। ऐसी केमिस्ट्री में बात करूं तो एमसीक्यू आते हैं, अंकित प्रश्न केमिस्ट्री में भी आते हैं। जी हाँ, अंकित प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, कम से कम 8 से 10 नंबर के। अभिक्रियाएं आती हैं, अभिक्रियाएं मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं, क्योंकि अभिक्रियाएं कई तरीके की रहती हैं और थ्योरी। ऐसे मैथ में क्या होता है, एमसीक्यू 8 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना है। हिंदी इंग्लिश की मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी थ्योरी रहती है, ये हम बात नहीं कर रहे, हम स्पेशली बात कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन, केमिस्ट्री के रिएक्शन में भी बनाने की विधियां, नाम वाली अभिक्रियां कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, यानी कि रिएक्शन का पोर्शन सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए क्या क्या करना है ये चीज अब ध्यान से समझ लो। इन 10 बातें बताऊंगा, कितनी बातें, 10 बातें बताऊंगा। इन 10 बातें आपने आज से अभी अपने दिमाग में रख ली, आज से यदि इन 10 बातों में से 10% भी आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका 90% से ईश्वर भी नहीं रोक सकते। बस आपको कड़ी मेहनत शिद्दत से आपको काम करना है। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नोटबुक खरीदनी है, नोटबुक में सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, ठीक है, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोटबुक खरीदो, एक फिजिक्स का बनाओ, जैसे कि लाइक फिजिक्स, फिजिक्स में आप लिखोगे लेसन 1, लेसन 1 में
इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कौन से हैं, कितने बैठेंगे, पांच होते हैं, ठीक है। आंकिक प्रश्न मुश्किल से मुश्किल, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट 10 से 12 आंकिक प्रश्न निकलेंगे। थ्योरी के कितने क्वेश्चन निकलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन थ्योरी के रहेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और एमसीक्यू कितने, 10 से 15। अब ये बोलेंगे सर ये कहाँ से लें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसी चैनल पर डाल रखे। नहीं पता तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं फिर से डाल दूंगा, फ्री ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, तो वहां से जाकर लिंक से ज्वाइन कर लो, आज ही ज्वाइन कर लो, फ्री में आपकी तैयारी हो जाएगी। सारे चैप्टर वाइज चैप्टर इंपोर्टेंट 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 क्वेश्चंस डेरिवेशंस हर चैप्टर के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारा इंपोर्टेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि एक नोटबुक खरीदनी है और उसमें हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। और ज्यादा करो तो आंसर भी लिख लो, ताकि आपको पेपर समय पर उसी नोटबुक को आपको तैयार कर लेना। फिर दूसरा पॉइंट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखना ही नहीं बल्कि नोटबुक में उनको सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर को पहले देख देख के अपना मास्टरमाइंड इंटरनेट से हेल्प लेके या आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, यानी पिछले लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन बना लो, ठीक है। सॉल्यूशन बना लो ताकि सॉल्यूशन बनाओगे तो उससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा पिछले साल कैसा पेपर आया 3 सालों में। फिर उसके आधार पर पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर सैंपल पेपर बना लो, गैस पेपर बना लो। सैंपल पेपर आप पर बनाना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ये जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो, मैं आपको सैंपल पेपर आपको दे दूंगा। और आप मेरे में इंतजार नहीं कर पाए तो आप ऐसा मास्टरमाइंड या आपने अवतार कोई तो क्वेश्चन बैंक खरीदा होगा, तो हर क्वेश्चन बैंक के पीछे 3 सैंपल पेपर दे रखे होते हैं, उनको तैयार कर लो, उनका सॉल्यूशन बना लो, ठीक है। कोई एक नोटबुक लो और चैप्टर वाइज चैप्टर यानी कि सैंपल पेपर वाइज सैंपल पेपर उनका सॉल्यूशन बना लो, ठीक है, ताकि आपको तैयारी में करने में आसानी रहेगी, पेपर लिखने में आसानी रहेगी, इनसे आपकी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर तैयार करो। लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन छूटता है मैथ का बात करें तो 8 नंबर चले जाएंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन छूटेगा तो 1 ही नंबर जाएगा, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन एक ना छूट पाए, बेशक से शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाए लॉन्ग नहीं छूटे, बात समझ रहे हो। और शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस भी नहीं मिलती है, लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस मिलती है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। फिर बात ही बात करते तैयारी करते समय नोटबुक में जरूर लिखें, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हो उसको लिखकर तैयार करो। पहली बात, लिखकर तैयार करने से अच्छी तरह से याद होता है, दूसरी बात लिखकर याद करने से आपको दिमाग में मेमोराइज हो जाता है, तीसरी बात दिमाग लिखकर याद करने से लिखकर तैयार करोगे तो आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि 4 बार आप पढ़कर तैयार करोगे और 2 बार लिखकर तैयार करोगे तो वो बराबर समझ में आ जाएगा, बल्कि लिखा हुआ ज्यादा समझ में आ जाएगा। और दूसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि एक बार यदि क्वेश्चन को लिखकर तैयार कर लोगे तो उसी जो आपका लिखा हुआ है उसी की आप प्रैक्टिस करते रहोगे, उसी को पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो आपकी राइटिंग में आपकी भाषा में लिखा होगा, ठीक है। तो चाहे पहले देख देख के सॉल्यूशन बना लो सभी क्वेश्चनों के, लेकिन लिखकर नोटबुक में जरूर लिख लेना, ठीक है। अब से सबसे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की संख्याओं को 15 डेज में बांटकर पर डे का एक टारगेट सेट करो और उससे रेगुलर स्टडी करो। मतलब ये समझ लो कि भैया आपके पास 75 दिन बचे हुए हैं, आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, फिजिक्स में टोटल मिला के 14 चैप्टर हैं, तो अब ये देखो कि आपको 75 दिन हैं, तो इस 14 चैप्टर को 75 दिन में कैसे डिवाइड करना है, यानी कि आपका ऐसे समझो मोटा मोटी कि 14 चैप्टर की हम बात करें तो भैया एक एक दिन में, यानी कि एक चैप्टर को आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब एक चैप्टर को 5 दिन में कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना है, आपको ये काम भी करना है कि भैया एक चैप्टर जो है उसका कितने कितने तो उसमें डेरिवेशन है, कितने आपके न्यूमेरिकल हैं और कितने आपके क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो कि मान लीजिए पूरे एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, टोटल मिला के मान लीजिए 60 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, न्यूमेरिकल एमसीक्यू सारा कुछ लगा लगा के कितने 60 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो इन 60 क्वेश्चनों को डिवाइड कर दो 5 दिनों में, ठीक है। तो मतलब कितने
12 पंजे 60, यानी कि एक दिन में पहले चैप्टर के 12 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, और ये तैयार करने हैं तो करने हैं, क्योंकि 75 दिन में आपको सिलेबस तभी कंप्लीट हो पाएगा जब पर डे का आप टारगेट सेट कर दोगे। या आप ऐसे करो, पूरी किताब के टोटल डेरिवेशन 50 डेरिवेशन है, मैंने एक साथ आपको पहली पार्ट के डेरिवेशन सभी दे दिए, अभी हाल फिलहाल में कल ही वीडियो डाला था, वो जाकर देख लीजिएगा। टॉप 25 डेरिवेशन पूरी, एक से लेकर 8वें चैप्टर तक के टॉप 25 डेरिवेशन। तो इस तरीके से टोटल मिला के 50 डेरिवेशन है। अब भैया ये 50 डेरिवेशनों को आप 75 दिन में डिवाइड करो और एक दिन का टारगेट निकालो कि आपको कितने डेरिवेशन करने हैं। अब आंधी आए तूफान आए, उतने डेरिवेशन आपको करने ही करने हैं। तो आप हर चैप्टर से, हर किताब से, हर सब्जेक्ट से एक दिन का टारगेट निकाल लो कि भैया एक दिन में आपको इतना काम करना है, तो 75 दिन में ये पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको वो काम करना है तो करना है, बात खत्म, बात समझ रहे हो। तो आपको एक टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर दो, भैया पहले दिन आपको इतना काम करना है, दूसरे दिन इतना करना है, तीसरे दिन इतना करना है, तो इतना करना है, ठीक है। सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या होती है, कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि आप मोटिवेशन पाके एक दिन तो आपने तैयारी कर ली लेकिन दो दिन छोड़ दिया, फिर अगले 4 दिन पढ़ लिया, फिर 5वें दिन फिर छोड़ दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका अब डेट शीट आ चुकी है, 75 दिन आपके पास सेम डेट है, यदि एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे कम हो जाएगी। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी से ही सारे काम होते हैं, ठीक है। जो भी सक्सेसफुल इंसान है उसके पीछे, उसके लिए काम किया होगा तो उसने कंसिस्टेंसी के साथ किया होगा, कंटिन्यूअसली किया होगा, रेगुलर किया होगा, सदैव उस अपने टाइम टेबल का फॉलो किया होगा, अनुसरण किया होगा। इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी से ही चीजों को करना है, हर रोज जितना काम किया है, जितना आपका टारगेट है उसको अचीव करना है, उसको कंप्लीट करना है, उससे कोई भी ढिलाई नहीं करनी है, ठीक है। और भैया कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल रेगुलर रहना है, ऐसा नहीं है कि भैया आज नहीं किया, नहीं भाई साहब, बिल्कुल कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी दोनों बनानी है, मेंटेन रखनी है। बात करते हैं आगे का, 8वां पॉइंट है सभी सब्जेक्टों को बराबर महत्व देना। ऐसा नहीं है भैया हमने फिजिक्स केमिस्ट्री महत्व बता दिया तो आपने वही चीज पढ़ ली, हिंदी इंग्लिश छोड़ दी, नहीं भैया। परसेंटेज आपको चाहिए 90, तो सभी में 90 आने चाहिए, तभी 90% बनते हैं। तो इसीलिए सभी सब्जेक्ट बराबर महत्व देते हैं, बराबर महत्व दीजिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हिंदी एक बार में पढ़ने से आपको तैयार हो गई, तो हिंदी को कम समय दो, हिंदी के बचे हुए समय को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में डाइवर्ट कर दो, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उसको ज्यादा समय दो, जो सब्जेक्ट आपको एक बार पढ़ने से समझ में आ रहा है उसको कम समय दो, बात समझ में आ गई, ठीक है। 9वां है हर रोज 4 से 5, 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी को देना है। आप स्कूल पढ़ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं, सेल्फ स्टडी सब चीज को छोड़ के अपने आप को समय दो। अपने पेपर बनाए, अपने हाथों से लिखा, चीजों को कंप्लीट किया, उनको पढ़ा, सेल्फ स्टडी यानी सेल्फ के साथ स्टडी कर रहे हो, तो वो कम से कम 4 से 5 घंटे की कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके डेट शीट आ चुकी है, पेपर नजदीक है। ये समझ लो ये समय आपने दे दिया पढ़ाई को, अपने आप को दे दिया, जिंदगी संभाल ले जाओगे, क्योंकि 12th के परसेंटेज, 12th में जो पढ़ा हुआ है जिंदगी भर काम आता है। आगे आप देखोगे एनडीए का पेपर दोगे तुरंत आ जाएगा, जेई का पेपर दोगे, कोई भी पेपर दोगे आगे तुरंत आ जाएगा। इसलिए 12th की तैयारी जीवन बदल देती है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, तैयारी के साथ साथ आपको पढ़ना भी है, ठीक है। चलिएगा आगे, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सारे काम के साथ साथ यदि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, इसीलिए सोशल मीडिया को अवॉइड कर दो। सोशल मीडिया को क्या कर दो, अवॉइड कर दो, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल और आग दोनों को एक साथ कभी नहीं रखा जा सकता, ठीक है। इसीलिए सोशल मीडिया आप क्या है, आपके लिए बहुत, ये समझ लो कि भैया आप स्टडी आपकी क्या है, आग है, तो सोशल मीडिया पेट्रोल है, वो जला के राख कर देगी, इसलिए राख नहीं होना है, ठीक है। सोशल मीडिया को अलग करना है, सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं जैसे फेसबुक है बिल्कुल दूर रहो, व्हाट्सएप के स्टेटस देखना छोड़ दो, रील्स देखना छोड़ दो, चाहे वो यूट्यूब की हो, फेसबुक की हो, कहीं की हो, यूट्यूब पर सिर्फ पढ़ने के लिए आओ, केवल पढ़ाई से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो मत देखो। इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद कर दो, इंस्टॉल कर दो, क्यों, मैं डिलीट कर दो, ठीक है, अनइंस्टॉल कर दो, क्यों, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भैया कोई पढ़ाई नहीं होती है। इंस्टाग्राम पे एक देखते हो रील, कब पता नहीं 50 रील देख लिए आपने, कब आपने 5 घंटे बर्बाद कर दिए, सत्यानाश, ठीक है। इसीलिए सारे काम करने, आई होप कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बस ये 10 पॉइंट यदि आपने जिंदगी में फॉलो कर लिए, कोई दुनिया आपके कदमों में इसमें कोई नहीं झुका सकता, आपको बस ये काम कर लो, ठीक है। अभी भी समय है, वक्त है, 75 दिन बहुत होते हैं, 75 दिन में तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है बस मेरे को जो
देना था मैंने आपको दे दिया। और अभी मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सबको बताऊंगा किस तरीके से आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है, मैथ कैसे पढ़ना, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए वो भी मैं बनाना बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए।